वेलकम टू डुओ कोडर्स डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है मैं हूं एम आदित्य और ये हमारी पहली YouTube वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने किसी भी प्रोजेक्ट को चाहे वो वेब पेज प्रोजेक्ट हो या फिर एंड्रॉयड से कोई रिलेटेड प्रोजेक्ट हो कोई भी प्रोजेक्ट को हम GitHub में कैसे पोस्ट कर सकते हैं सो so, प्रोजेक्ट को अपलोड करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि गिट्हब क्या है सो गिटहब एक्चुअली में एक माइक्रोसॉफ़्ट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे दुनिया के जितने भी कोडर्स या प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और गिटहब की सबसे खासियत जो सबसे बड़ी खासियत है मेजर एडवांटेज ये है कि उन पर्टिकुलर कोड्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है केवल जो हमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए वो है एक गिटहब में अकाउंट सो so, सबसे पहले हमें प्रोसीड करना चाहिए गिटहब के अकाउंट बनाने के लिए सो so, मैं एक न्यू टैब खोलूँगा और गिटहब uh, टाइप करते ही यहाँ पे मैं ऑलरेडी इन था इसलिए डायरेक्टली मेरा गिटहब का अकाउंट खोल गया नहीं तो डायरेक्टली हमें साइनअप में जाके गिटहब में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके बाद आपको भी ऐसा ही पोर्टल देखने को मिलेगा जब आपको ऐसा पोर्टल देखने को मिल जाए आपको सिंपली यहाँ पर आना है और योर रिपोजिटरीज में क्लिक करना है या रिपोजिट में ये रिपोजिटरीज में क्लिक करते ही आपको आपने आज तक जितनी रिपोजिटरीज बनाई हैं सब दिखेंगे रिपोजिटरीज़ को अगर अपन आसान भाषा में समझे तो एक तरीके का घर है जहाँ पे हम अपने कोड्स को स्टोर कर करके रख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी रिपोजिटरीज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं लेकिन आप एक नई रिपोजिट्री में आपके लिए कोई रिपोजिटरी नहीं होगी तो आप एक नई रिपोजिट्री क्रिएट करेंगे उसके बाद सिम्पली आपको यहाँ पर आके अपना रिपोजिटरी का नेम देना है मतलब घर का नाम देना है सो मैं एक डिपॉजिटरी नेम सेलेक्ट करूंगा हाँ और एम बी एस ए टेन जो है अवेलेबल है तो मैं इसको एज अ रिपोजिटरी नेम या घर का नाम लूंगा उसके बाद पब्लिक में टिक करके आपको एड ए रीडमी फाइल में क्लिक करना है और सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक कर देना है हाँ तो यहाँ पे ऐसा आपको एक पोर्टल देखने को मिलेगा जहां पे आपकी एम बी एस ए टेन नाम की रिपोजिटरी मतलब एम बी एस ए टेन नाम का घर क्रिएट हो गया होगा उसके बाद ये इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच नेम सिंपली हम जानते हैं कि घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और जो ये ब्रांचेज हैं हम लोग अपने नाम का कोई भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं तो एक मेरा एडवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मास्टर नाम का ब्रांच आपके लिए क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिफॉल्ट ब्रांच होती है जो हर जगह होना चाहिए इसलिए मास्टर सबसे पहले आपको यहाँ के मास्टर नाम का एक ब्रांच क्रिएट कर लेना है उसके बाद अब गिटहब में अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करने के बहुत से तरीके हैं डायरेक्टली अपन ऐड फाइल में क्लिक करके भी यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल कर सकते हैं लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक फ़ाइल और दूसरे फाइल के बीच में हमेशा एक इंटरलिंकिंग होती है और यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड फाइल्स करके अपलोड फाइल्स करते समय जो इंटरलिंकिंग है वो टूट जाती है जो इंटरलिंकिंग्स होती हैं एक फोल्डर्स के बीच में ये टूट जाएंगी अगर Uh, यहाँ से डायरेक्टली अपलोड फाइल्स किया गया अब नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है गिट बैश गिटहब में अपना अकाउंट बनाने सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको गिट बैश जो एक सॉफ्टवेयर है इसे हमें हाँ डाउनलोड करना होगा ये भी एक पीसी सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग डायरेक्टली विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड यहाँ पे आप सिंपली विंडोज में क्लिक करेंगे तो आपका फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा और जहाँ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है इसलिए तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहे उसका ऐसा टाइप का आपका एक इंस्टॉलर क्रिएट होगा उस इंस्टॉलर पर डायरेक्टली क्लिक करके आपका गिट बैश जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा अब अब आपको करना ये है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं पाइथन प्रोजेक्ट नाम का मेरा एक पर्टिकुलर फोल्डर है जैसे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर के फाइल्स को आपको गिटह में पोस्ट करना है तो आप सिंपली उस फोल्डर के अंदर जाएंगे उसके बाद आपको राइट right क्लिक करना है राइट right क्लिक करके आपको यहाँ गिट बैश ईयर का कमांड दिखेगा उसमें आपको क्लिक करना है गिट बाय शेयर में क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का एक पोर्टल आपके लिए क्रिएट हो जाएगा न्यू विंडो खुलेगा यहाँ पे जो जो कोड्स मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली exactly उन्हीं को फॉलो करके आपको अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी में जो आप रिपोजिट्री बना चुके हैं वहाँ अपलोड करना है सबसे पहले आपको गिट इनिट दबाना है गिट इनिट लिख के एंटर करना है इससे आपका गिट रिपॉजिट्री इनिशलाइज हो जाएगा इसका मतलब ये है कि चालू हो जाएगा अब आपको करना ये है कि लिखना है गिट रिमोट एड ओरिजिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद आपको वापिस अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे जो एम बी एस ए टेन जो भी आपने जो भी जिस नाम के भी रिपोजिटरी आपने क्रिएट की होगी उस रिपोजिटरी के अंदर आके आपको यहाँ पे कोड में आके यहाँ पे जो ये यू दिया हुआ है इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने गिट बैश में जाना है और यहां पे इसे सिंपली पेस्ट कर देना है और अपना इन। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर करना है अब जो आपकी एमबीएसए10 या जो भी नाम की आपने रिपोजिटरी क्रिएट की होगी मेरे लिए एमबीएसए10 है वो अब इस पर्टिकुलर गिट बैच से या इस फोल्डर से लिंक हो चुका है अब आपको करना यह है कि आपको लिखना है गिट पुल ओरिजिन मास्टर गिट पुल ओरिजिन मास्टर यह लिखना है मास्टर यहां पर एक्चुअली रिफर करता है जो घर का जो रूम का नाम हमने बनाया था ब्रांच नेम मास्टर यह करने के बाद आपको यह लिखने के बाद आपको दबाना है लिखना है गिट स्टेटस गिट स्टेटस तो गिट स्टेटस लिखते ही आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फाइल्स है इसमें जो अभी तक

तो इसे होने में थोड़ा टाइम लग रहा है जैसे ये आता है अब आपको करना ये है कि लिखना है गिट commit, माइनस ए स्पेस माइनस एम स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट कमिट ये लिख के एंटर करना है अब आपको अब आपका जितने जितने भी फाइल्स हैं सब ऑलरेडी आपके रिपोजिट्री में क्रिएट कमिट हो चुके हैं अब आपको लिखना है गेट लॉग यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने कब कित, कि, कितने तारीख को कितने बजे गिट लॉग लिखते हैं आपको पता चलता है कि कब आपने ये कमिट किया था मतलब कब अपने रिपोजिट्री में कोड्स को भेजा था अब आप अगर चाहते हैं कि जो मास्टर ब्रांच है वो आपको पसंद नहीं आ रहा आपको दूसरे नाम का रूम चाहिए या दूसरे नाम का ब्रांच चाहिए तो आप सिंपली यहीं से गिट ब्रांच कोडर कोडर नाम का अगर आपको ब्रांच चाहिए तो गिट ब्रांच और ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे एंटर तो इमीडिएटली जो आपका रिपोजिटरी है एम बी एस ए टेन नाम की वहां पे कोडर नाम का रूम यानी कोडर नाम का ब्रांच क्रिएट हो गया होगा अब आपको अगर यहां पे जो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मास्टर लिखा हुआ है मतलब अभी भी आप मास्टर ब्रांच में ही है मतलब मास्टर रूम में ही है लेकिन आपको कोडर में भेजना है तो गिट चेक आउट ये कमांड होता है जिससे हम अपने सभी कोड्स को जो अभी तक मास्टर में भेजे जा चुके हैं उसे हम कोडर में भेज सकते हैं कोडर नाम की ब्रांच में तो गिट चेकआउट कोडर करते ही जो ब्रांच ने आपने देखा होगा मास्टर से कोडर में मतलब अब जितने अब आपको जो लास्ट कमांड होता है गिट पुश ओरिजिन कोडर जैसे आप एंटर करेंगे तो जितने भी कोड्स आपने अभी तक जो मास्टर में किए थे कमिट सब कोड्स मास्टर से उठ के कोडर में चले जाएंगे इसे होने में थोड़ा समय लग रहा है हाँ, और ये हमने सक्सेसफुली कर लिया है बस अब जैसे ही ये फाइनल हो चुका होगा आपको सिंपली इसे क्लोज करना है और यहां पे आके एक बार रिफ्रेश कर देना है जैसे आप पेज रिफ्रेश करेंगे देखिए ऊपर पहले से हाईलाइट करके आ रहा है कोडर अ मिनट अगो यहाँ पे जो ब्रांच है आप इसे चेंज करके कोडर में क्लिक कीजिए एंड हियर वी गो जितने भी हमारे फाइल्स हैं सब ऑलरेडी गिटहब में आ चुके हैं सो थैंक यू गाइज एंड होप यू लाइक द वीडियो